Hi guys, welcome back to my channel. This is me Bobby and you are watching Uniqueen Bobby channel. तो guys आप सब कैसे हो? आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे. तो guys आज के इस वीडियो में मैं मेरी weekly pamper skin care routine share करने वाली हूँ. तो guys winter आ गई है and हमारी जो skin है वो बहुत ज़्यादा dry होना start हो गया है. तो गाइस बेसिकली मेरी जो स्किन है वो है कॉम्बिनेशन स्किन, बट मेरी जो विंटर में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है एंड इसलिए गाइस विंटर में स्किन केयर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मेरी विंटर स्किन केयर की रूटीन आपसे शेयर किया जाए. तो गाइस हियर आई एम. तो गाइस अभी मैंने मेरी स्किन केयर कर लिया है. सी द ग्लो गाइस. गाइस आप देख सकते हो मेरी स्किन कितना ज़्यादा हेल्दी और कितना ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है. मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ. तो गाइस देखो कितना ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी है. तो गाइस जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो अंडर 200 की होगी, तो अफोर्डेबल है. एंड ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना गाइस वो मैं ऑफर में मैंने परचेस किया था, इसलिए थोड़ा सा कम प्राइस में मुझे मिल गया था. तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो. और आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा मेरे ऑल लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए. वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर बनती है और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को और आप कॉमेंट भी कर सकते हो. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस ये है बिफोर स्किन केयर माय फेस जो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड बहुत ज़्यादा डल लग रही है. तो चलिए फेस वॉश के लिए मेरे पास आज दो ऑप्शन है. एक है बायोटिक की नीम फेस वॉश और सेकंड है मामाअर्थ की टी ट्री फेस वॉश. तो गाइस मैं आज बायोटिक की नीम फेस वॉश यूज़ करने वाली हूँ. मेरी पम्प में थोड़ा सा फेस वॉश और 2 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरिन मैं मिक्स करके फेस को वॉश करूँगी. इससे गाइस आफ्टर फेस वॉश करने के बाद जो स्किन में ड्राइनेस होती है स्पेशली विंटर में वो नहीं होगा. स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील करेगा और वेल नरिश फील करेगा. तो यहाँ पर मेरी फेस वॉश जो है वो हो गया है. तो मैं थोड़ा सा मेरी फेस को पोंछ लूँगी एंड उसके बाद होगा सेकेंड स्टेप जो कि है स्क्रब. तो यहाँ पर मेरे पास है बायोटिक का बायो स्क्रब जो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड मेरा मोस्ट फेवरेट स्क्रब है. इसका प्राइस भी 75 rupees है आई थिंक. ये आपको ऑफर में आप ले सकते हो. बहुत अच्छे से आपकी स्किन को स्क्रबिंग करती है. ये आपकी स्किन से टैन को भी रिमूव करती है. तो अच्छे से जेंटली मसाज करने के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया है. अब है थर्ड स्टेप जो कि है फेस पैक. फेस पैक के लिए आपको थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा पिंच ऑफ वाइल्ड टर्मरिक और 1 teaspoon ऑफ आपको सैंडलवुड पाउडर और एट लास्ट आपको ग्लिसरीन ऐड करके मिक्स करके आप मिक्स रोज़ वाटर से भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल वाटर से भी कर सकते हो. तो अच्छे से मिक्स करने के बाद फुल फेस में इसको अप्लाई कर दीजिए. नेक को भी आप कर सकते हो बट मैं नेक को नहीं करूँगी क्योंकि मैं अभी मैं शावर लेके आई हूँ. तो अच्छे से आपको फेस में अप्लाई करना है. इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स है गाइस. सन स्किन पोर्स को डर्ट फ्री करता है. टर्मरिक स्किन में नया सा ग्लो ला कर देता है. सैंडलवुड पाउडर स्किन डालने से स्किन को छुटकारा देता है और स्किन को स्मूथ रखता है. इस पैक को 10 मिनट्स रखने के बाद गाइस मैं इसको स्क्रब करते हुए इसको रिमूव कर दिया है. फोर्थ स्टेप है टोनिंग. तो टोनिंग के लिए गाइस मैं आज बायोटिक की बायो कुकुम्बर टोनर को यूज़ करूँगी जो बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसको मैं थोड़ा सा पम्प में लेके अच्छे से टैप करके मेरी स्किन में अप्लाई कर दूंगी. आप कॉटन बल से भी अप्लाई कर सकते हो. ये बहुत ज़्यादा अच्छा से एक नेचुरल सा ग्लो देता है. बहुत अच्छे से स्किन को सूद आउट करता है. सेकेंड गाइस मैं लिप स्क्रब करूंगी. तो लिप स्क्रब के लिए आज मेरे पास गुड वाइब्स की लेमन लिप स्क्रब. तो इसको मैं थोड़ा सा लूँगी एंड अच्छे से मेरी लिप्स को स्क्रब करूँगी. इससे गाइस आपके लिप्स में जो भी डर्ट सेल या फिर डर्ट स्किन हो वो रिमूव हो जाएगा. तो इसको मैं अच्छे से स्क्रब करने के बाद 5 मिनट्स के लिए मेरी लिप्स पे रहने के लिए छोड़ दूंगी. लिप स्क्रब को रिमूव करने के बाद मेरी लिप्स जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील कर रही है. इसके बाद गाइस मैं एक लिप पैक आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है आपकी लिप्स के लिए. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बीटरूट पाउडर लेना है एंड उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करके आपको आपकी लिप्स में अप्लाई करना है.
ये गाइस अमेजिंग एक डीआईवाई है फॉर लिप्स एंड ये विंटर के लिए एकदम परफेक्ट है। विंटर के टाइम गाइस लिप्स पहले से ही बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा बेजान लगता है, कोई भी प्लम्पीनेस नहीं रहता, बट इसको यूज़ करने के बाद गाइस डेफिनेटली आपकी लिप्स है पिंक लगेगा, कोई भी ड्राइनेस नहीं फील होगा आपको एंड बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट लगेगा। बिफोर आफ्टर लिप की जो कलर है वो आप देख सकते हो। आफ्टर यूजिंग दिस लिप पैक मेरी लिप्स की कलर बहुत ज़्यादा पिंक हो गई है, तो अब मैं थोड़ा सा लिप बम अप्लाई कर ले रही हूँ। मॉइस्चराइज़र के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है जॉय का मॉइस्चराइज़र और सेकेंड है डाबर गुलाबरी का, बट मैं डाबर गुलाबरी का यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ये स्किन को मॉइस्चराइज करती है। आप निविया का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा है। तो ये मेरी स्किन को थोड़ा सा पिंक टोन, मतलब पिंक ग्लो देता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो तो आप इसमें थोड़ा सा ग्लिसरिन भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी वीकली पैम्पर स्किन केयर की रूटीन जो है वो ख़त्म हो गई है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्यूचर में इस तरह की वीडियो देखने के लिए उसके बगल में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।